हेलो हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? कुछ यस सर। स्टार्ट करते हैं क्लास। कल हमने बताया था कि आपकी फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट हो गई है। उसमें कुछ पार्ट जो मैंने बोला था कि एक बार बता दूंगा आपको, सबसे पहले वो बता देता हूँ। देख लेते हैं कौन से पार्ट हैं। ये मैंने बताया था आपको कि इसमें से जो पार्ट आपके हैं, कुछ मैं जो रह गए हैं उनको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें से एक तो ये थोड़ा सा पार्ट मैं बता देता हूँ, इंटरनेट और WW, जावा सपोर्ट सिस्टम और एनवायरनमेंट। ये पार्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। और इधर एक बचा था कॉन्स्टेंट। ये बाकी आपको सब मालूम है, सी सी प्लस प्लस और सब हम पढ़ चुके हैं, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बता चुके हैं, टोकन्स बता चुके हैं, स्टेटमेंट बता चुके हैं, जावा वर्चुअल मशीन पढ़ चुके हैं, वेरिएबल डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, एक्सप्रेशन है, इटरेशन और डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, लूपिंग, जंप स्टेटमेंट, लूप एंड लेवल, ये सारा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आज बात करते हैं पहले जावा एंड इंटरनेट WW, और फिर उसके बाद जावा सपोर्ट सिस्टम। एक्चुअल एनवायरनमेंट भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ आपको। ओके तो आइए बात करते हैं अभी एनवायरनमेंट की और सपोर्ट सिस्टम की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जावा लैंग्वेज एंड इंटरनेट। देखिए क्या होता है, जावा इज ऑफ्टन कॉल्ड द इंटरनेट लैंग्वेज। जावा को इंटरनेट लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जावा के माध्यम से जो प्रोग्राम बनते हैं वो विंडो बेस्ड भी बनते हैं और वेब बेस्ड भी बनते हैं, और ऐप भी बनाए जा सकते हैं। बिकॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन जिसका बनाया गया था प्रोग्राम रिटन इन जावा वाज हॉट जावा। पहला एप्लीकेशन किसने बना था? हॉट जावा। वेब ब्राउजर यूज द हॉट जावा, और इसके लिए जो वेब ब्राउजर यूज किया गया था, अपलेट ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउजर अपलेट था, आगे हम अपलेट पढ़ेंगे इंटरनेट के माध्यम से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट लैंग्वेज। ओके, इंटरनेट यूजर कैन बी यूज द जावा टू क्रिएट द अपलेट। इंटरनेट जो यूजर होते हैं जावा के माध्यम से अपलेट को क्रिएट कर सकते हैं, रन देन द लोकल आपका हॉट जावा। हॉट जावा जो आपका लोकल सिस्टम होगा उसमें क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। जावा एनेबल द ब्राउजर डाउनलोड द अपलेट, लोकेट एनीवेयर एंड इंटरनेट आल्सो यूज।
इसलिए इसको कहा जाता है जावा लैंग्वेज जो है वो इंटरनेट लैंग्वेज भी है। इसके साथ साथ हम रिमोट एक्सेस भी इसको यूज कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कैन आल्सो बी सेट अप देयर वेबसाइट कंटेनिंग द जावा एप्लेट। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो जावा एप्लेट को कंटेन करके रखती हैं, यानी कि जो वेबसाइट बनी होती है नेट पे उन पे जावा प्रोग्राम का यूज किया जाता है। जावा एप्लेट प्रोग्राम क्या होते हैं 5 मिनट में हम पढ़ेंगे डिटेल में, और वो एप्लेट प्रोग्राम इंटरनेट में यूज होते हैं। छोटे छोटे जो एप्लेट प्रोग्राम है उनको इंटरनेट में यूज किया जाता है, इनबिल्ट किया जाता है वेबसाइट के साथ, इसलिए जावा को कहा जाता है इंटरनेट प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग www जो अगली हेडिंग है तो मतलब आप सभी जानते ही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इज द इंफॉर्मेशन रिट्रीवर सिस्टम होता है। एनी इंफॉर्मेशन फाइल इंडिकेट द यूनिक फॉर्म सोर्स लोकेटर URL यूज किया जाता है, और हाइपरलिंक के माध्यम से यू कैन एक्सेस। जब हम इंटरनेट में जावा का यूज करते हैं तो हमको इसका यूज करना ही पड़ेगा www का, और कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, इसके माध्यम से हम इंटरनेट में एक्सेस करते हैं। ओके नेक्स्ट, जावा इंटरनेट प्रोग्रामिंग बोथ हैड द सेम फिलॉसफी एंड द दिस देयर आर इनकॉर्पोरेटेड विद द अदर इजली। जावा मेड द पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब सपोर्ट, यानी कि इसके माध्यम से हम एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं। क्या हो गया? इसके माध्यम से हम एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं, एनिमेशन और ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं, गेम भी। बहुत सारे इफेक्ट जावा एप्लेट के माध्यम से यूज करके हम वेब ब्राउजर पर रन कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट द जावा यूजेस एप्लेट द स्टेप इन्वॉल्व। जब हम इसमें जावा का वेब पेज के रूप में यूज करते हैं तो ये स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, इसको हम डिटेल में 5 मिनट में सीखेंगे। द रिक्वेस्ट फॉर द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट रिमोट कंप्यूटर, हाइपरलिंक जो रिमोट कंप्यूटर से वेब सर्वर, जैसे वेब सर्वर से जो प्रोसेस होती है, ये कौन है? इसके बाद द डॉक्यूमेंट कंटेन द अपलेट टाइप विच आइडेंटिफाई द अपलेट। जावा सोर्स कोड फाइल कंपाइल द बाइट कोड। तो बाइट कोड में इसको क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइट कोड में, और इसके बाद फिर अपलेट को भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। द ब्राउजर इनेबल बाय जावा एंड द इंटरप्ट द बाइकोड प्रोवाइड द आउटपुट, और इसके बाद फिर आपको आउटपुट मिलता है। ये हमने बताया। अब एक हेडिंग थी आपकी सपोर्ट सिस्टम, जावा सपोर्ट सिस्टम, कौन कौन से जावा में सपोर्ट सिस्टम होते हैं तो ध्यान दें, सपोर्ट सिस्टम में द ऑपरेशन ऑफ जावा एंड जावा एनेबल्ड ब्राउजर ऑन द इंटरनेट रिक्वायर्ड ए वैरायटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम ये सपोर्ट करता है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, ये आप सपोर्ट सिस्टम होगा, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, HTML, ए लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, माइक जिसका भी आना है ऑफ कर लो। आकांक्षा शुक्ला माइक ऑफ करो। इसके बाद अपलेट टैग यूज करते हैं हम, इसके जावा जो इंटरनेट के साथ यूज करेंगे जावा कोड, अपलेट टैग यूज करेंगे, जावा कोड बाइट कोड होगा, प्रॉक्सी सर्वर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, मेल सर्वर भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप जावा सपोर्ट सिस्टम में बताएंगे क्या क्या जरूरत होती है, कौन कौन से सिस्टम सपोर्ट करता है जावा, और जावा एनवायरमेंट में पहले भी पढ़ाया था, फिर एक बार। जावा एनवायरमेंट इंक्लूड द लार्ज नंबर ऑफ जावा डेवलपमेंट टूल्स, बहुत सारे जावा डेवलपमेंट टूल्स पाए जाते हैं, एंड द क्लासेस और मेथड पाए जाते हैं जिनका हम यूज करते हैं। द जावा डेवलपमेंट टूल्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के वो पार्ट होते हैं, नाउ द जावा डेवलपमेंट JDK होता है, उसमें
मेथड बहुत सारे होते हैं, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, JSL आल्सो नॉन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग API भी पाया जाता है। ये पहले भी मैंने पढ़ाया था जावा डेवलपमेंट JDK के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, अपलेट व्यूअर, इसका अपलेट में यूज करेंगे, जावा सी कंपाइलर होता है जिसका यूज हम करते हैं, जावा इंटरप्रेटर होता है, जावा डिसेंबलर होता है, जावा सी हेडर के लिए यूज होता है, जावा डीओसी एचटीएमएल फाइल के लिए होता है, जेडीबीसी जावा डिबगर होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कौन कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, इसमें बहुत सारे पैकेज पाए जाते हैं, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड द क्लासेस एंड पैकेज, सम मोस्ट ऑफ द कमनली यूज द पैकेज आर द लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द जावा क्लासेस एंड मेथड रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन द फीचर्स। यूटिलिटी पैकेज पाया जाता है टू प्रोवाइड जावा यूटिलिटी फंक्शन, इनपुट आउटपुट पैकेज पाया जाता है, नेटवर्किंग पैकेज है, AWP है और अपलेट पैकेज है, इसके अलावा भी कई पैकेज पाए जाते हैं जिनको हम यूज करेंगे। इनपुट आउटपुट पैकेज अभी तक हमने यूज किया है, आपको मालूम है फॉर जावा में इनपुट और आउटपुट के लिए हमने इस पैकेज को यूज किया है, आगे जो भी AWP है, नेटवर्किंग पैकेज है, यूटिलिटी पैकेज है, इनका यूज हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते जाए। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है ये मैंने पढ़ाया था प्रीवियस में भी, फिर भी एक बार बता देता हूँ, जावा वर्चुअल मशीन के माध्यम से वर्क करता है, जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो एक्सेसल कोड में चेंज होता है, कोड बाइट कोड कहलाता है JVM मशीन, फिर उसको जब हम उसको एक्सेसल कोड को इंटरप्रेटर के माध्यम से उसको यूज करते हैं तो किसी भी रन मशीन में उसको रन किया जा सकता है। तो जावा प्लगइन्स इनेबल द एग्जीक्यूट द जावा एप्लेट यूज होता है, जावा बेस स्टार्ट, ये सारे आपके क्या होते हैं जावा एनवायरनमेंट। तो इसके जो थ्योरिकल पार्ट बचे थे जावा के आज मैंने वो बताया आपको, और उसको आपको देखना है जावा सपोर्ट सिस्टम कौन से होते हैं है ना, और थ्योरिकल पार्ट में क्या क्या होता है ये बताया, इंटरनेट और WW के साथ कैसे वर्क करता है। इसके साथ साथ अब बात एक कांस्टेंट जो एक हेडिंग हमारी रह गई थी, ये मैंने यहाँ पे बताया था कि अभी कांस्टेंट भी मैं बता दूंगा आपको, इसमें एक हेडिंग कांस्टेंट की थी, कांस्टेंट ऑफ सी और सी प्लस प्लस में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ, ए कांस्टेंट इज द वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज बीन असाइंड। एक बार जो वैल्यू उसमें असाइन कर दी जाएगी, एक वेरिएबल होता है वो उस वैल्यू को हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि फिक्स वैल्यू है कॉल्ड द कांस्टेंट। जावा डज नॉट हैव द बिल्ट-इन सपोर्ट फॉर द कांस्टेंट, कोई बिल्ट-इन सपोर्ट का कांस्टेंट नहीं रखता है, कांस्टेंट कैन मेक और द प्रोग्राम ओनली इजली रीड, अपने अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं कांस्टेंट को JVM, और कांस्टेंट को डिफाइन कर लेंगे टू डिफाइन द वेरिएबल कांस्टेंट, वी जस्ट नीड टू ऐड द कीवर्ड फाइनल, जिसको भी हमको कांस्टेंट बनाना है उसके पहले हम फाइनल कीवर्ड जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे PI की वैल्यू आप सभी को मालूम है 3.14 होती है और फ्लोट में है, इसके पहले हम फाइनल लिख देंगे तो ये कांस्टेंट वेरिएबल बन जाए। ओके, ये आपका कौन सा बन जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएगा, यानी कि किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं बना के दिखा देता हूं आपको कांस्टेंट वेरिएबल का, पहले यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, XY बना दिया मैंने, ऑडियो क्लिप का दे रहा है, रुक जरूर ये करने दूंगा, कहाँ कर रहा है इसे, और इसके बाद यहाँ पे जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए a बराबर आपने कोई भी वैल्यू लिया, इसको हम कांस्टेंट बना सकते हैं, कांस्टेंट बनाने के लिए या PI वेरिएबल लेना है तो PI ले सकते हैं, तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे बताया था आपको, तो PI 3.14 होती है इसकी वैल्यू, तो 3.14 क्योंकि फ्लोट है, गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें निर्धारित की गई है जावा में, इसलिए रखेंगे
अभी ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट बनाना है तो इसके पहले हम फाइनल लगा दें, ये कांस्टेंट बन जाएगा। ऐसे कोई जरूरी है कि फ्लोट को ही बनाए, इंटीजर को भी हम कांस्टेंट बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू दिया और इसको कांस्टेंट बना दिया, ये देखें। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं फ्लोट एन इक्वल पी आई प्लस ए और इसको प्रिंट करा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको सेव करेंगे। ये देखिए डेटा टाइप कन्वर्जन भी यहाँ हो गया, क्योंकि एक इंटीजर लिया, एक हमने फ्लोट लिया और कांस्टेंट वैल्यू भी आपकी हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम स्टूडेंट कांस्टेंट में? नो सर। ओके चलो, ये कांस्टेंट डिफाइन किया। आज कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इनपुट करने के मेथड आपको नए नए बता देता हूँ। देखिए हमने इनपुट कंसोल के माध्यम से किया था, कंसोल तो हमने सीखा था, कंसोल पे हम इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ इनपुट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जिसके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, एक इनपुट ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्कैनर क्लास के माध्यम से, आज इसको आप नोट करिएगा। इम्पोर्ट किया जावा यूटिलिटी पैकेज के अंदर ये बना हुआ है, जबकि कंसोल जो बना हुआ था इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर बना हुआ था, तो इनपुट आउटपुट हमने यूज किया था। ये पब्लिक क्लास, आप क्लास नॉर्मली यूज कर सकते हैं और इनपुट थ्री मैंने लिया। यहाँ पे मेन मेथड हमने क्रिएट किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया एक इंटीजर टाइप का ए, फ्लोट टाइप का बी, स्ट्रिंग टाइप का एस। इसमें आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे वहां पे किसका क्रिएट करते थे कंसोल का, यहाँ पे किसका क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास का। स्कैनर का एस कैपिटल है, स्कैनर ऑब्जेक्ट लिया इन इक्वल न्यू स्कैनर, पैरामीटर इसमें पास होगा सिस्टम डॉट इन। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे इंटर स्ट्रिंग, यदि हमको इनपुट कराना है सीधा हम लिखेंगे एस इक्वल इन डॉट लेफ्ट लाइन, स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी और एस में स्टोर हो जाएगा। एस हमारा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। इसी प्रकार से यदि हमारी दूसरी वैल्यू स्टोर कराना है, ये कि इंटर द स्ट्रिंग के लिए था, अब इंटर द इंटीजर वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट योर इंटर स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। और इंटर ए इंटीजर, इंटीजर यदि आपको इनपुट कराना है तो देखिए यहाँ चेंज होगा, इन डॉट नेक्स्ट आई एन टी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, नेक्स्ट आई एन टी लिखते हैं तो किसमें आएगी, इंटीजर में आएगी। वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, ए में। और इसी प्रकार से फ्लोट लेना है तो क्या लिख देंगे, नेक्स्ट फ्लोट, तो वैल्यू किसमें आ जाएगी, फ्लोट। देखिए इसको मैं चला के आपको दिखा रहा हूं, देखो पहले स्ट्रिंग हमने दिया, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, फिर हमने इंटीजर मांगा था तो इंटीजर दे दिया, फिर हमने फ्लोट मांगा था तो फ्लोट दे दिया।
इस तरीके से भी आप वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए, फ्लोट के लिए, इंटीजर के लिए। इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट? हेलो, इसमें कोई दिक्कत? हेलो, यस सर। हेलो सर, हाँ बताओ सर। हम ये जो आप पढ़ाए थे उसका पढ़ाए थे, कंसोल वाला पढ़ाए थे, तो हम कंसोल की जगह स्कैनर ये यूज कर सकते हैं ना हमेशा ऑलवेज के लिए? हाँ हाँ तो ठीक सर, ये डाउट क्लियर करना था। ठीक, कौन बोल रहे? सर प्रिंस। हाँ तो वही तो बता रहा है कि मेथड कई हो सकते हैं ना, कंसोल भी यूज कर सकते हैं, स्कैनर भी कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक सर। ओके नेक्स्ट, एक और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक इनपुट ऑफ स्विंग के साथ हम यूज करेंगे ये स्विंग। जावा जब कोर जावा भी हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे स्विंग आया था, उस जावा को एज ए जो आपके सेटअप बॉक्स वगैरह में यूज होते हैं उसके तरीके से इनपुट करा सकते हैं। स्विंग के लिए देखिए क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा जब हम स्विंग यूज करते हैं। देखिए कोर जावा है, फिर स्विंग है, फिर एडवांस जावा है, जावा को कई आपको बताया था मैंने, कई सिस्टम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमने जब इंपोर्ट किया जावा एक्स करेंगे, जब स्विंग का यूज करेंगे तो जावा एक्स और स्विंग डॉट आईएसपी यूज किया हमने, और इसके अलावा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमने लिया। यहाँ इनपुट करने का तरीका जो होगा सेम होगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी। इसमें मैं पैनल यूज किया हूँ, जे ऑप्शन पैन सो इनपुट डायलॉग, और यहाँ पे जो आपको लिखना हो इंटर नंबर आप लिख देंगे स्ट्रिंग में, इंटर नंबर नंबर आएगा, और फिर इसको कन्वर्ट करना होगा जैसा हमने उसमें कंसोल में कन्वर्ट किया था वही फॉर्मेट हम यहाँ पे कन्वर्ट करने में लेंगे। सिर्फ अंतर ये होगा कि इसमें पैनल यूज होगा, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी से हमने इसको कन्वर्ट किया, हमारी जो स्ट्रिंग आई थी वो किसमें आई थी, इनपुट में। यहाँ पे हमने इनपुट को इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी से कन्वर्ट करके किसमें स्टोर किया, नम में, और फिर नम को हमने क्या करा दिया है प्रिंट। ओके, इसको भी मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। देखिए इंटर द स्ट्रिंग इसमें आप लिख सकते हैं जो भी स्ट्रिंग, और इंटर अच्छा टू नंबर चलाना था हमको, ये भी वही चल गया पुराना वाला हमारा, इस बार हमारा टू था। जावा सी इनपुट टू डॉट जावा, जावा इनपुट टू। देखिए इसमें ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, ये देखिए इस तरीके से आप इनपुट करा सकते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखने से ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, आप इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए योर नंबर इज 50 जो इंटर किया वो प्रिंट हो गया। ओके, आप इस तरीके से डायलॉग बॉक्स इनपुट करा के वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं जावा में, जिसके लिए स्विंग का यूज किया जाएगा, जावा एक स्विंग को हमने यूज किया है। अब जैसा कि मैंने बताया डायलॉग बॉक्स में जैसा हमने इनपुट किया वैसे डायलॉग बॉक्स में हम आउटपुट भी ले सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक प्रोग्राम आपको बता देता हूं आउटपुट को भी प्रिंट करने के लिए। और इस तरीके से आप कोई भी इनपुट ले सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें। देखिए प्रिंट करने के लिए मैं इसमें बता देता हूं, हमने स्ट्रिंग जैसे लिया टाइम, इनपुट कराने के लिए वही रहेगा जे ऑप्शन 500 इनपुट डायलॉग बॉक्स, और इसको हमने क्या कराया इनपुट कराया, फिर इसके बाद इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया जैसा कि आपको बताया मैंने, और सेकंड वैल्यू भी मैंने लिया और उसको इनपुट कराया। फिर एक थर्ड वैल्यू लिया मैंने इनपुट कराया। अब ये सो
आप वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए ये मेथड यूज करेंगे, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, इनपुट के लिए शो इनपुट डायलॉग था और प्रिंट करने के लिए हो जाएगा शो मैसेज डायलॉग, और इसमें नल पैरामीटर पास करना है। एक बार इसमें नल पैरामीटर ना भी पास करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटपुट डायलॉग बॉक्स में नल पैरामीटर पास करना कंपलसरी है, क्योंकि इनके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। हम इसमें से अभी कुछ पैरामीटर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये तीनों इनपुट होंगे, वैल्यू इंटीजर में आएगी, दो इंटीजर तीन इंटीजर वैल्यू आ रही है, प्रिंट होगा डायलॉग बॉक्स में जे ऑप्शन पॉइंट डॉट सो मैसेज डायलॉग नल और एवरेज इक्वल, तीनों वैल्यू जुड़ेंगी और 3 से डिवाइड होकर उसका एवरेज प्रिंट होगा। उसको मैं स्विंग इनपुट के नाम से चला के आपको दिखा रहा हूं। देखिए इस तरीके से डायलॉग बॉक्स हम तीन वैल्यू कोई भी इंटर करेंगे, फर्स्ट वैल्यू इंटर हो गई, सेकंड वैल्यू इंटर हो गई और थर्ड वैल्यू इंटर हो गई। ऐसे डायलॉग बॉक्स मैसेज बॉक्स में ही हमको आउटपुट मिल जाएगा एवरेज इज 63। मैसेज बॉक्स को प्रिंट करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, ये मैंने बताया, जे ऑप्शन पॉइंट डॉट सो मैसेज डायलॉग बॉक्स आपको लिखना होगा और ये पैरामीटर पास करना होगा। आपको और भी यदि इनकी वैल्यू भी प्रिंट कराना है तो आप ऐसे फिर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लो ए की वैल्यू प्रिंट कराना है, ए यहां लिख दिया मैंने वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसको मैंने कॉपी किया, फिर ऐसे कर दिया वैल्यू ऑफ बी, इसमें बी की वैल्यू प्रिंट होगी, और फिर मान लो मैंने इसको रखा और यहाँ पे कर दिया वैल्यू ऑफ सी, और यहाँ पे चेंज करके मैंने कर दिया सी, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी किसकी, सी, और लास्ट में एवरेज प्रिंट होगा। थोड़ा सा मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किया और इसको फिर से मैंने रन करके आपको दिखाया। अब देखिएगा, पहली वैल्यू हमने इनपुट किया, सेकंड वैल्यू हमने इनपुट किया, थर्ड वैल्यू हमने इनपुट किया, पहली वैल्यू प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए 50, फिर इंटर करेंगे वैल्यू ऑफ बी 40, अब वैल्यू ऑफ सी 30, और फिर इंटर कर देंगे तो एवरेज इज 40। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम? सर सर वो फ्लोट के लिए क्या करेंगे? किसके, वो तो सेम रहेगा ना, इंटीजर की जगह यहाँ फ्लोट लगाओगे, ये तो सिर्फ मैसेज बॉक्स से चेंज हो रहे हैं ना, ये पास आई एंट्री जगह फ्लोट क्या लगता है, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, हाँ बस वो लग जाएगा, यहाँ स्ट्रिंग डायरेक्ट आ रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें सिर्फ डायलॉग बॉक्स है, इनपुट डायलॉग बॉक्स और आउटपुट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, कन्वर्जन तो सेम है इसमें, जो हम वहां कन्वर्ट करते थे कंसोल में वही कन्वर्जन यहाँ हो रहा है। हेलो सर, हाँ सर ये बताइए, जैसे किस इस कैपिटल स्मॉल दोनों, जैसे जे वो जैसे स्मॉल है कैपिटल है, अब पी स्मॉल हो गया, फिर टी आई हो गया, क्या सो इनपुट डायलॉग, हाँ फिर तो तुम कौन बोलते पहले ये बोलो। सर प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ प्रदीप सर, अच्छे से बोला करो ना। हाँ बोलो सर, जैसे ये स्मॉल कैपिटल दोनों सर मतलब मिक्सचर है सर, कहाँ मिक्सचर है स्मॉल कैपिटल, कहाँ मिक्सचर है स्मॉल कैपिटल, डायलॉग इनपुट डायलॉग, तुमको कुछ पता है, ये स्ट्रिंग नहीं लिखी है क्या डबल कोट के अंदर, मिक्सचर कहाँ है, ये स्ट्रिंग लिखी हुई है सो इनपुट डेटा में ऊपर सर, कहाँ सो इनपुट डेटा, कहाँ मिक्सचर है, हाँ इसी में सर, इसी में कैपिटल कहाँ है सर, कैपिटल इनपुट हो गया कैपिटल सर, इनपुट स्मॉल हो गया, हाँ
और कैपिटल आता सर दोनों मिक्सचर है सर इसमें। अरे दोनों मिक्सचर है, ये तो प्रीडिफाइंड क्लास है ना, जैसा होगा वैसा ना लिखोगे। ये मिक्सचर से क्या मतलब है, जावा केस सेंसिटिव है ना। जी जी, जो स्मॉल होगा उसको स्मॉल लिखोगे, जो कैपिटल होगा कैपिटल लिखोगे। मिक्सचर से क्या मतलब है तुम्हारा, बोलो। स्मॉल है और आई में इनपुट में एन आई वो कैपिटल है। हाँ तो वो तो शुरू में समझा चुके हैं ना, जो क्लास होती है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, मैथड जो बने हैं उनके सेकंड लेटर कैपिटल होते हैं। तो प्रीडिफाइंड मैथड है ना हमारा, जे वो कैपिटल है, इसका पी कैपिटल है, तो ऐसे लिखना होगा ना हमें। जी सर, जी सर। हाँ उससे थोड़ी कोई मतलब है। ओके सर, ओके। यहाँ स्ट्रिंग लिखी हुई है। और कोई हो गया, इनको आप चलाइएगा। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी। अब कल से जो बात करेंगे हम सेकंड यूनिट पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये इनपुट के कई मेथड हमने आपको बताए, यानी कि एक तो आपको कंसोल बता दिया, स्कैनर बता दिया, इसके बाद स्विंग के मेथड हमने बता दिया, इनपुट डायलॉग बॉक्स भी, आउटपुट डायलॉग बॉक्स भी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर, चलिए ओके।